कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के गुवाहाटी में रैली की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि नफरत और गुस्से से असम आगे नहीं बढ़ेगा। खुशी और दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं। असम को आरएसएस की चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के गुवाहाटी में कहा, यह रैली ऐसे समय में है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा, नफरत और गुस्से से असम आगे नहीं बढ़ेगा। खुशी और दुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं। बीजेपी युवाओं को मारना चाहती है। बीजेपी हमारी संस्कृति और इतिहास पर हमला कर रही है। आज भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पीएम मोदी का काम नफरत फैलाने वाला और देश को बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस की चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। मैं आपको यहां बता रहा हूं और सीधी बात कर रहा हूं, हम बीजेपी को आरएसएस को असम की हिस्ट्री भाषा संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। यहां से राहुल गांधी ने कहा, चुनावों से पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो असम में एक बार फिर हिंसा होगी। दुख की बात यह है कि सच हो गया। उन्होंने कहा, असम में 15 साल पहले आया था, तब मुझे राज्य की संस्कृति के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आप सभी से मिलने के बाद ही मुझे असम के महान इतिहास और विरासत के बारे में पता चला। राहुल गांधी ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे आपके राज्य के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं कम से कम आपकी जड़ों को जानता हूं। मैंने असम में भाईचारा और सबको साथ लेकर चलना सीखा है। आज मैंने आपकी धरती के बेटों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। मुझे डर है कि एक बार फिर असम बीजेपी की हिंसा के चक्र में फंस सकता है। आपकी ताकत आपका भाईचारा है। कभी यह मत सोचिए कि असम नफरत से आगे बढ़ सकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।